ऑल इंडिया पसमांदा समाज के हाजी सलाउद्दीन मंसूरी राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पसमांदा समाज से जुड़े कुछ बिंदुओं पर चर्चा की गई। पसमांदा समाज की राजनीतिक जनमत तैयार करने के उद्देश्य से ऑल इंडिया पसमांदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं पर बात की गई। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में कर्पूरी ठाकुर फार्मूला के अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग कोटा में अति पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था लागू किया जाए और पसमांदा पिछड़े अधिसूचित मुस्लिम जातियों को प्राथमिकता के आधार पर रखा जाए और खाली जगह में बैकलॉग के द्वारा भर्ती किया जाए। औद्योगिकरण के चलते पसमांदा मुस्लिम समाज, जिसके अंतर्गत पीतल दस्तकार, कारीगर, मजदूर तबके के लोग भी आते हैं, इनकी बेरोजगारी में इजाफा हुआ है और भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। नव उदारवादी और अंधाधुंध मशीनीकरण की नीतियों के कारण इन तबकों में बेरोजगारी बढ़ी है। इस संबंध में लघु उद्योग का विकास ग्रामीण, कस्बा, नगर, महानगर स्तर पर विकसित किया जाए ताकि दस्तकारों को रोजगार मिल सके। अल्पसंख्यकों के विकास हेतु आवंटित बजट का 80% पसमांदा समाज के शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर खर्च किया जाए। पसमांदा मुसलमान के संरक्षण के लिए SC/ST कानून की भांति कानून बनाना आवश्यक हो गया है। सरकार इस बिंदु पर विचार करे। पसमांदा मुसलमान के कारोबार पर उचित नीतियां बनाई जानी चाहिए। उनके उत्पाद ब्रांडिंग नहीं होने के कारण एवं बाजारीकरण की दौड़ में पिछड़ गए हैं। सरकार को विशेष व्यवसायिक, तकनीकी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण देकर इन कामगार तबके को स्किल्ड बनाना होगा। सरकारी उपेक्षा के कारण मुस्लिम वक्फ संपत्तियों पर माफिया का कब्जा होता जा रहा है। खरबों की वक्फ संपत्तियां बेकार पड़ी हैं। मुसलमानों को वक्फ संपत्तियों को जो खरबों रुपए की कीमत की हैं, पसमांदा मुसलमानों को बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मैं सलाहुद्दीन मंसूरी, ऑल इंडिया पसमांदा समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसका उद्देश्य यह है कि 3 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी ने हैदराबाद के अंदर पसमांदा समाज को हक देने की बात की थी। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पसमांदा समाज को याद किया और हमने उनके सामने अपनी कुछ मांगे रखी हैं कि अगर आप पसमांदा समाज को हक देना चाहते हैं तो हमारी ये मांगे हैं, इन्हें पूरा करने का आप काम कीजिए। क्या क्या? जैसे हमारी मांग है कि जो पसमांदा समाज के लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो उनको विशेषकर GST के अंदर छूट दी जाए, राजनीतिक हिस्सेदारी दी जाए, 33% आरक्षण दिया जाए और मुरादाबाद के अंदर भी जो पीतल नगरी दस्तकार एसोसिएशन के नाम से एक्सपोर्ट वगैरह होता है, यहाँ पर 2.5 लाख पसमांदा समाज के लोग बेरोजगार हुए हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने जो फोकस दिया करती थी एक्सपोर्टरों को 7%, उसे घटाकर 1% कर दिया है। हमारी मांग है कि वो 7% किया जाए वापस, जिससे कि वो 2.5 लाख लोग जो बेरोजगार हुए हैं उन्हें रोजगार मिल सके। इसके अलावा यही मांगे हैं सादी, कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हम पसमांदा समाज को पसमांदा का हक देंगे, तो हम ये कह रहे हैं कि देश के अंदर हमारे सामने 2 गठबंधन है, एक इंडिया TV, एक इंडिया और एक NDA। ये दोनों गठबंधन से हमारी मांगे हैं कि पसमांदा समाज, जैसे बिहार के अंदर अभी जनगणना हुई है, उस जनगणना के अंदर आया है कि 85% पसमांदा समाज के लोग हैं बिहार के अंदर। अगर पूरे देश की जनगणना कराई जाएगी तो सब सामने आ जाएगा कि 85% देश के अंदर पसमांदा समाज के लोग हैं जो वोट देने का काम करते हैं और राज करते हैं अगले समाज के लोग। अच्छा, मेरा सवाल यह है कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। शफीकुर रहमान बर्क है, संभल के सांसद हैं, वो लगातार सवाल ये कर रहे हैं कि राम मंदिर के जो फैसले में कहीं ना कहीं जो भूमिका रही वो अच्छी नहीं रही, उसके निर्णय में वो ठीक नहीं। देखिए, वो अदालत का फैसला था, वो किसी सरकार का फैसला नहीं था और किसी अलग के आदमी का फैसला नहीं था, वो अदालत का फैसला था और अदालत के फैसले का हमने स्वागत किया। नहीं, ये अदालत का फैसला था, अदालत के फैसले का हमने स्वागत किया है और उस वक्त जो फैसला आया था उसे मुसलमान ने अदालत का फैसला मानते हुए उसका स्वागत। पसमांदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते क्या लगता है कि
मस्जिदों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, शफीकुल रहमान बरगुल ने सरकार पर आरोप। देखिए मस्जिदें हैं, अगर वो सही जगह पर बनी हुई हैं मस्जिदें, तो उन्हें कोई नहीं छीन सकता, किसी के अंदर इतने वो नहीं है जो वो मस्जिदों को छीने। और जिस तरीके से जहाँ पर भी जिस तरीके की जांचें हो रही हैं, जैसे बनारस के अंदर है, अगर वहाँ पर उस ऐसा जिसकी जांच हो रही है अगर उसके अंदर वो आता है तो किसी को भी कोई इतराज़ नहीं होगा, और अगर मस्जिद होगी तो मस्जिद रहेगी और मंदिर होगा तो मंदिर। तो फिर आप इनसे शफीकुर रहमान भर के बयान पर आप सहमति जताते हैं? नहीं नहीं, देखिए एक बात सुनिए, जो अदालत जिस मामले के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, जो अदालत का निर्णय होगा, क्योंकि अदालत सर्वोपरि है, न्यायालय सर्वोपरि है, जो उसका निर्णय होगा वो मान्य होगा। 2024 में चुनाव आने वाला है और बीजेपी लगातार पसमांदा सम्मेलन कर रही है, मंडल में सम्मेलन हुआ, रामपुर में भी हुआ, आपको क्या लगता है कि मुस्लिम समाज को लेकर बीजेपी आगे बढ़ना चाह रही है, मगर मुस्लिम समाज को उतनी वरीयता मिल रही है या नहीं मिल रही? बीजेपी को इस बात पर गहनता से विचार करना होगा कि हम सारी चीजें सारी योजनाओं में लाभ दे रहे हैं, सब चीजें दे रहे हैं, तो हमसे आखिर पसमंदा समाज या मुस्लिम समाज क्यों नहीं जुड़ रहा, क्या वजह है, उस पर गहनता से उन्हें विचार करना होगा और जो जहां कमियां हैं उन कमियों को दूर करना होगा। अभी अगर जुड़ना है, देखिए बात सुनिए आप, जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं, जो योजनाएं उन्हें दी जा, जो योजनाओं में वो लाभ दे रहे हैं 35%, अगर उनके लोगों का कुछ कोई भी आदमी कहीं किसी जिले के अंदर किसी शहर के अंदर कोई भी बात किसी तरह की कर दे किसी के बारे में, तो उससे एकदम मतलब ये उछल जाता। उन्हें अपने लोगों को इस बात के लिए आगाह करना चाहिए कि किसी समाज के लिए कोई भी गलत शब्द का इस्तेमाल ना करे, किसी से गलत बात ना कहे, और सारे समाज जब वो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, तो वो सबका साथ सबका विकास को लेकर चले और सबको साथ लेकर चले तो अच्छी बात है।